हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो यार, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और आज हम देखेंगे कि कैसे चाइना ने हमारे जम्मू कश्मीर के लद्दाख रीजन को कैप्चर किया था एक वॉर के बाद, जिसे कि आज हम अक्साई चीन भी कहते हैं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप एंड तक देखें। तो आइए अब हम समझते हैं कि क्या ऐसे हालात बने जिसके कारण भारत और चाइना को वॉर पे ही उतरना पड़ा। उस वक्त हमारे प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और राष्ट्रपति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। तो यार, उस वक्त भारत और चीन में बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा था। दो बॉर्डर डिस्प्यूट थे, एक अरुणाचल को लेकर जिसे चाइना हमेशा से खुद का क्लेम करता आ रहा है, और एक मैकमैन लाइन पे। मैकमैन लाइन वो लाइन है जो अरुणाचल और तिब्बतन, चाइना का जो तिब्बतन रीजन है जिसको चाइना ने एक्वायर किया, उन दोनों को डिवाइड करता है। और चाइना इधर जम्मू कश्मीर वाले लद्दाख रीजन में भी एंटर करना चाह रहा था। और एक और रीज़न थी वॉर के लिए कि तिब्बतन रिसेंटमेंट, मतलब तिब्बत के लोग अब विद्रोह कर रहे थे और दलाई लामा को भारत ने खुद में अपने आप में शरण दिया था। तो इसके कारण भी चाइना और भारत में टेंशन बिल्ड हुआ और लास्ट में 1962 में वॉर हुआ। वॉर काफ़ी ब्रूटल हुआ, काफ़ी कैजुअल्टीज़ आई और एज ए रिज़ल्ट इंडिया ने वॉर हारा। तो इंडिया ने वॉर हारा तो चाइना ने इंटर किया लद्दाख रीजन में और उस पूरे रीजन को एक्वायर किया, जिसे वे अक्साई चीन कहते हैं। और अरुणाचल पे लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। अगर वे चाहते तो वे अरुणाचल को भी कैप्चर कर सकते थे, मगर उन्होंने अरुणाचल को उस वक्त कैप्चर नहीं किया, उन्होंने अक्साई चीन पर अपना सारा फोकस लगाया। उसका कारण था कि अक्साई चीन स्ट्रेटजिकली इम्पॉर्टेंट था। अक्साई चीन दिल्ली से काफ़ी नज़दीक है। फ्यूचर में अगर भारत और चाइना के बीच, इंडिया और चाइना के बीच अगर वार होती है तो वो दिल्ली, जो कि एक सेंटर होगा भारत का, वहाँ वो बहुत आसानी से पहुँच सकता है और सारे प्रोमिनेंट स्टेट्स के पास। सेकेंडली, रोड्स बिल्ड कर रहा था चाइना। और थर्ड, वो अक्साई चीन से पाकिस्तान को भी मदद कर सकता था भारत के खिलाफ, भारत पे प्रेशर डालने के लिए। तो इन तीन कारणों से उसने अक्साई चीन को कैप्चर किया, अरुणाचल को कैप्चर नहीं किया। अरुणाचल एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, इंडिया से कटा हुआ है, हम सभी जानते हैं। वो उस वक्त उसे इम्पॉर्टेंट नहीं लगा। अब बात है कि अक्साई चीन हम उसे क्यों कहते हैं, इसके पीछे एक कॉन्ट्रोवर्सी है। कुछ लोगों का मानना है कि अक्साई चीन, अक्साई तो ठीक है, चीन चाइना से आया, चाइना से डिराइव हुआ चीन। और कुछ लोगों का कहना है कि चीन का मतलब पास होता है, जो माउंटेन में पास होते हैं ना आने जाने के लिए, चीन का मतलब वो पास होता है। तो ये भी कॉन्ट्रोवर्सियल है। कुछ लोगों का मानना है कि चीन चाइना से है, कुछ लोगों का मानना है कि चीन पास से है। यार, ये 1962 के वार के बाद आज तक भारत और चाइना में कोई भी वार नहीं हुआ उसी वक्त। और ये वार बहुत ही कम दिनों के लिए चला था, एक महीने के लिए चला था, लेकिन कैजुअलिटीज़ काफ़ी आई थी, हज़ारों में आई थी, भारत को ज़्यादा आई थी। इसके बाद लाइन ऑफ कंट्रोल ड्रॉ किया गया दोनों देशों के बीच, डिमार्केशन किया गया मैकमैन लाइन पर, चाइना लद्दाख से इधर नहीं आ सकता जम्मू एंड कश्मीर में। तो एंड ऑफ द डे जम्मू एंड कश्मीर गॉट डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। अक्साई चीन एडमिनिस्ट्रेड बाय चाइना, पीओके एडमिनिस्ट्रेड बाय पाकिस्तान, एंड इंडिया ऑक्यूपाइड कश्मीर विच वी आर लिविंग जम्मू एंड कश्मीर। तो यार, ये अपन इंडिया के मैप पे तो जम्मू एंड कश्मीर को एज अ होल देखते हैं, ये एक स्टेट है जम्मू एंड कश्मीर, कहीं भी आप इंडिया के मैप पे देखो, लेकिन इन एक्चुअल वो तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है। आप जम्मू एंड कश्मीर के मैप पे देखोगे तो इधर पीओके है, इधर अक्साई चीन आपको मिलेगा, जैसा कि मैंने एनिमेशन में भी दिखाया है, अक्साई चीन राइट लेफ्ट में ऊपर में। और अक्साई चीन का एरिया के बारे में पंडित जवाहरलाल नेहरू का कहना था कि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, हमें ज़्यादा कंसर्न नहीं करना चाहिए कि चाइना ने एक्वायर कर लिया अक्साई चीन का एरिया, क्योंकि वो फर्टाइल नहीं है, वहाँ पे वेजिटेशन नहीं है, एग्रीकल्चर नहीं है, कुछ भी नहीं है। बट
कुछ लोगों ने उस वक्त भी अपोज़ किया था कि आप ऐसे लैंड नहीं दे सकते, इम्पॉर्टेंट हो या ना हो, स्ट्रेटजिकली तो इंडिया वीक हो गई उसके बाद। तो यार ये सारी कहानी थी अक्साई चीन की और इंडो चाइना वार की, जिसे कि हम सीनो इंडियन वार भी कहते हैं 1962 की। तो यार अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया हो तो आप ज़रूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना, ताकि अगर अगली टाइम मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। फॉर दैट टाइम हैव अ गुड डे, थैंक यू।